टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 41, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 41, पेज नंबर 3.51, इलस्ट्रेशन नंबर 41, पेज नंबर 3.51, क्या कह रहा है? एल एम एन एन, एल एल एम एन एन were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5, sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. On 1st April 2018, they decided to share the profit in the ratio of 1:2:2. अब इनका जो new ratio होगा वो हो जाएगा 1:2:2. On this date, the balance sheet show a credit balance of 1,17,000 in general reserve. General reserve में कितने का? 1,17,000 का. And a debit balance of 35,000 in profit and loss account. और 35,000 का debit balance है profit and loss account में. Goodwill of the firm was valued at rupees 5 lakh. Firm की goodwill का valuation करा तो निकली 5 lakh की. The revaluation of asset and reassessment of liability result into a gain of 30,000. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि जर्नल रिजर्व शो हो रहा है कितने का? 1,17,000 का जर्नल रिजर्व शो हो रहा है. तो सबसे पहले ये जो जर्नल रिजर्व शो हो रहा है इसको अपन क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंट्री हो जाएगी एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व बांटने तो वो लाइबिलिटी उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,17,000 to L capital account, to M capital account, and to N capital account. इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्या है रेशियो? 2:3:5. तो 1,17,000 को 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आएगा 23,400, 35,100 एंड 58,500. उसके बाद लिखा है डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. सो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस लॉस, दिस इज नेट लॉस. डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मींस इट इज अ नेट लॉस. तो नेट लॉस आपको दे रखा है 35,000 रुपीज का. तो इसको भी अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इसको क्लोज करने के लिए इसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट. तो एंट्री क्या होगी, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है ये बैलेंस? 35,000 का है. इसको अपन ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:5. तो ये आएगा आपका 7,000, 10,500 एंड 17,500. उसके लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5 लाख. फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करा तो कितने की निकली? 5 लाख की. तो गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होता है चेंज इन पीएसआर में? गुडविल की अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर है तो उसके लिए अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो ये निकलेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एल एम एंड एन। सो ओल्ड रेशियो कितना है 2/10, 3/10 एंड 5/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/5, 2/5 एंड 2/5। तो एलसीएम आ जाएगा 10, 10 डिवाइड बाय 10 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो इट्स 0/10। अगेन 10 एलसीएम आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, फिर 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो ये आ गया माइनस का 1/10। अगेन 10 एलसीएम आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, ऐसे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो ये आ गया 1/10। तो इसका 0 आ रहा है, मतलब ये ना तो कोई गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस, ये माइनस का 1/10 है, मतलब ये यहां पे गेन कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये यहां पे गेन कर रहा है और ये यहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है। और वी कैन से एम क्या कर रहा है, 1/10 प्रॉफिट परचेज कर रहा है, एन ने 1/10 प्रॉफिट परचेज करा है और एन ने 1/10 प्रॉफिट सेल करा है। तो एम ने ये जो 1/10 प्रॉफिट परचेज करा है इसके बदले में ये कंसीडरेशन पे करेगा। कितना कंसीडरेशन पे करेगा, जो भी फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल कितनी है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है 1/10, तो ये आ रहा है आपका 50,000। यानी एम एन को पे करेगा कितना 50,000। सिमिलरली एन ने अपना 1/10 प्रॉफिट सेल कराए, एन ने अपना 1/10 प्रॉफिट सेल कराए, तो ये कंसीडरेशन लेगा। कितना कंसीडरेशन लेगा, जो भी फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल। कितना प्रॉफिट सेल कराए 1/10, कितना हो गया 50,000। यानी एम एन को पे करेगा कितना 50,000। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कौन गेन कर रहा है, एम। तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एम की कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे कितना 50,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एन। तो टू एन कैपिटल अकाउंट 50,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करा, असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करा। तो रिवैल्यूएशन करने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 30,000 रुपीज का। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे। तो इस प्रॉफिट को भी अपन क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मतलब इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, इसको प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट, टू एल कैपिटल अकाउंट, टू एम कैपिटल अकाउंट, टू एम कैपिटल अकाउंट एंड टू एन कैपिटल अकाउंट। कितना दे रखा है आपको 30,000, इस 30,000 को अपन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो इज 2:3:5, तो 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यह आएगा 6,000, 9,000 एंड 15,000। क्लियर, एनी डाउट? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 42, इलस्ट्रेशन नंबर 42।
क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोस। इधर रखिए, पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,10,000, machinery is to be depreciated by 10%, a provision for doubtful debt is to be made on debtors at the rate 5%, building to be appreciated by 20%, and a liability of 2,500 including in creditors not likely to be arise. Partner agree that the revised values are to be recorded in the books. They do not however want to disturb the general reserve. ये line इसकी important है, इसको underline कर लो। ये रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से लिखा होता है कि अगर रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है मैं बताता हूँ। फिर लिखा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर जर्नल एंट्री कैपिटल एंड रिवैल्यूएशन एंड वाइज बैलेंस शीट। सबसे पहले बस स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड से। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स के लिए क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 5, अ लाइबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। मतलब आपके जो क्रेडिटर्स है वो रिड्यूस हो गए, कितने से रिड्यूस हो गए, 2,500 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, to revaluation account 2,500, creditor account debit to revaluation account 2,500। तो revaluation account की credit side में लिखेंगे by creditor 2,500, and balance sheet में आ जाएंगे आपके creditor, कितने दे रखे हैं क्रेडिटर, 24,000 के हैं। इस क्रेडिटर आपके रिड्यूस हो गए कितने से, क्रेडिटर रिड्यूस हो गए 2,500 से। तो अब आपके पास क्रेडिटर आ जाएंगे 21,500। अब जनरल रिजर्व है, तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा था कि दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। तो जब किसी भी रिजर्व के लिए इस तरीके से लिखा होगा तो फिर अपन उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री, जो गुडविल की पास करते हैं, डेट इज गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइजिंग, डेट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना है किसका, ए बी एन सी। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/8 एंड 2/8 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 4/9 3/9 एंड 2/9। तो 72 एलसीएम आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32, तो 27 माइनस 32, तो 27 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 बाय 72। तो -5/72 अगेन 72 एलसीएम आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, तो 27 माइनस 24 कितना होगा, 3/72। इसी तरीके से आपका यहां पे भी 72 एलसीएम आएगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18,
72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, तो 18 माइनस 16 कितना हो गया 2 बाय 72। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे गेन कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बी और सी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब सुनिएगा दोबारा ध्यान से, क्वेश्चन का जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें क्या लिखा था, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो किसी भी रिजर्व के लिए अगर इस तरीके से नहीं लिखी होगी तो अपन उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये कितना गेन कर रहा है, 5 बाय 72 मल्टीप्लाई करो उसको रिजर्व के अमाउंट से, तो रिजर्व का अमाउंट है 36,000, रिजर्व का अमाउंट कितना है 36,000, तो ये आएगा 2,500। इसको भी मल्टीप्लाई करो रिजर्व के अमाउंट से कितना है 36,000, तो ये निकल के आएगा आपका 1,500। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 जो रिजर्व का अमाउंट है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1,000। अब एंट्री क्या होगी जो गुडविल की पास करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो हु इज द गेनिंग पार्टनर, ए, तो एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 2,500 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो टू बी इज कैपिटल अकाउंट 1,500, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 1,000। दोबारा समझ लीजिए क्या किया, क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन थी, सेकंड लास्ट लाइन, उसमें लिखा था दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, वो अपने जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो जब क्वेश्चन आए चेंज इन पीएसआर का और उसमें लिखा हो कि रिजर्व्स को वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, तो फिर अपन रिजर्व के लिए भी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जो अपन गुडविल के लिए पास करते थे। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो कैसे होगी वो एंट्री, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो पता चला बी तो गेन कर रहा है और बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जो भी इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया उसको मल्टीप्लाई करा किससे, रिजर्व के अमाउंट से, तो रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई करा तो ये निकल के आ गए, और फिर अपन ने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है, ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी एंड सी, तो टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, अगर किसी भी रिजर्व के लिए अगर ये लाइन लिखी हो किसी भी क्वेश्चन में चेंज इन पीएसआर के कि पार्टनर्स अपने रिजर्व को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, तो उसकी अपन यही एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बताइए समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को, तो ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, बी एंड सी से, तो टू बी कैपिटल अकाउंट एंड ए कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 1500 टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 1,000, एंड बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, ए से, तो बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय ए कैपिटल अकाउंट बी का आ जाएगा कितना 1,500 एंड सी का आ जाएगा कितना 1,000। इसको एक लाइन छोड़ के लिखेंगे क्योंकि सबसे ऊपर हमेशा कैपिटल आती है, तो यहां लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट बी में 1,500 एंड सी में 1,000। क्लियर है रिजर्व का ट्रीटमेंट, तो अगर किसी भी रिजर्व के लिए अगर ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका दे रखा है 2 लाख, इसका दे रखा है 1,50,000 और सी का दे रखा है 1,50,000। उसके बाद कैश एट बैंक है,
तो कैश एट बैंक आपको दे रखा है कितना, 37,000। उसके बाद डेटर्स हैं तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है आपको कितना, 5% ऑन डेटर। तो डेटर है आपका कितना, 44,000। 44,000 का कितना परसेंट, 5%। तो 5% ऑफ 44,000, तो 5% ऑफ 44,000 इज 2,200। तो एंट्री क्या होगी आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,200 एंड 2,200। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,200, और इधर आ जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,200, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा डेटर 44,000। उसके बाद स्टॉक दे रखा है आपको 1,20,000 का, तो कह रहा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक को वैल्यू किया तो कितने का निकला, 1,10,000 रुपीज का निकला। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000, 10,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक 10,000, एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक कितना, 1,10,000। उसके बाद मशीनरी आपको दे रखी है 1,59,000 की, तो इट इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, इट इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई कितनी, 10%। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो 10% ऑफ 1,59,000 कितना होता है, 15,900। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा है इसे मशीनरी से, तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी 15,900, एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगी मशीनरी 1,59,000 है, 15,900 से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये आ जाएगा 1,43,100। उसके बाद बिल्डिंग दे रखी है आपको 2,00,000 की, तो लिखा इट इज एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो 20% ऑफ 2,00,000 इज 40,000। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यह आ जाएगी बाय बिल्डिंग अकाउंट 40,000, एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग कितना है, 2,00,000 है, इट इज इंक्रीज बाय 40,000। ये आ जाएगा आपका 2,40,000, बिल्डिंग आ गई 2,40,000 की। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, स्टॉक का वैल्यू, मशीनरी हो गई, प्रोविजन हो गई, बिल्डिंग हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और भी एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए अपन ने। अब ये जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 14,400, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
इसको अपन क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए बी और सी इसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यार है 5400, 5400 एंड 3600। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5400, 5400 एंड 3600। बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,02,900, 1,56,900 एंड 1,54,600। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 2,02,900, 1,56,900 एंड 1,54,600। और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। इसमें जो मेन बात थी वो रिजर्व की थी, वो समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया रिजर्व का सबको पॉइंट? देखो अब इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो अभी ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए है, जिसमें क्या हो रहा था कि अपन अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे थे, और रिवैल्यूएशन करके जो रिवाइज वैल्यू निकल के आ रही थी उसी को अपन अपनी इस न्यू बैलेंस शीट में, रिवाइज बैलेंस शीट में शो कर रहे थे। अब इसके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं इस चैप्टर में से, वो क्या बनते हैं कि हमने अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करा, हम अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिवाइज वैल्यू आएगी, जो भी रिवाइज वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन इस बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, उसको हम इस बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड वैल्यू ही क्या होगी, शो होगी। तो अगर इस तरीके से अगर कोई एडजस्टमेंट हो कि हमें अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करना है लेकिन जो बैलेंस शीट बनानी है उसमें ओल्ड वैल्यू भी दिखाना है, तो उस केस में क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी इस रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज की, उस टाइप के क्वेश्चन आप करना अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन है। अभी अपन ने जो करे वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जिसमें हम अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे थे और न्यू बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू को, जो रिवाइज वैल्यू निकल के आ रही थी उसको शो कर रहे थे। अब मैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 43, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि हम अपने असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं लेकिन जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें ओल्ड वैल्यू शो करेंगे। तो अगर रिवैल्यूएशन भी करना है लेकिन बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू भी शो करनी है तो क्या एडजस्टमेंट होगा, वो अपन यहाँ पे अब उस टाइप के क्वेश्चन अपन अब यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 43, तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 43 है यहां से आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में, पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 43। कह रहा है कंटिन्यू इलस्ट्रेशन नंबर 42, द पार्टनर एग्री दैट द रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कि असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करेंगे लेकिन जो रिवाइज वैल्यू निकल के आएगी, जो भी रिवाइज वैल्यू होगी असेट एंड लाइबिलिटीज की, उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू को शो करेंगे। ऑल्सो दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और वो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। तो लिखा है बताओ कि एक सिंगल एंट्री पास करके इसका एडजस्टमेंट कैसे करें। तो देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। अब इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। देखिए समझ में आ गया सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या है कि असेट और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करना है लेकिन बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड वैल्यू को ही क्या करना है, शो करना है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस तरीके से वर्किंग नोट बना के अपन नेट प्रॉफिट निकालेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ असेट और लाइबिलिटीज का, और बाकी जितनी भी चीजें उन सबका एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट क्या निकल रहा है। तो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 42 का डेटा लेना है, तो जैसे सबसे पहले क्या था, क्रेडिटर्स डे,
इलस्ट्रेशन नंबर 42 भी निकालो दोबारा। क्रेडिटर्स थे तो क्रेडिटर्स क्या कह रहा था, 2500 के क्रेडिटर्स का हमें पेमेंट नहीं करना, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम होने से आपका क्या होता है, लाइबिलिटी कम हो रही तो ये आपका प्रॉफिट है। आपको अपने क्रेडिटर्स को 2500 रुपीस का पेमेंट कम करना है, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां लिखेंगे अपन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर कितना हुआ प्रॉफिट 2500। उसके बाद जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व आपका प्रॉफिट है, इसको एक बार लास्ट में लिखते हैं जनरल रिजर्व को। असेट साइड में आ जाओ, कैश एट बैंक कुछ नहीं, डेटर, डेटर के लिए क्या कह रहा था कि 5% का प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपका लॉस होता है। तो अपन यहां लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन कितना बनाया था अपन ने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था कितना, 2200। तो ये 2200 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, स्टॉक, तो स्टॉक को वैल्यू किया तो कितना हो गया, 1,10,000, तो 1,20,000 का स्टॉक 1,10,000 हो गया। तो बिजनेस में असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो असेट की वैल्यू रिड्यूस होने से आपको लॉस होता है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितने का लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ कितने का, 10,000 रुपीज का। कितने का लॉस हुआ, 10,000 रुपीज का लॉस हुआ। फिर आपको मशीनरी दे रखी है, तो मशीन के लिए भी कह रहा है इसको डेप्रिसिएट करना है 10%। तो मशीन की वैल्यू जब डेप्रिसिएट करते हैं तो ये भी आपका लॉस होता है। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी कितने का लॉस हो रहा है, 15,900 का, 15,900 का लॉस हो रहा है। बिल्डिंग कह रहे हैं बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो ये आपका प्रॉफिट है। तो आप यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, प्रोविजन हो गया, बिल्डिंग हो गया, और क्रेडिटर्स भी हो गया। अभी क्या कह रहा था, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आप यहां लिखोगे जनरल रिजर्व, ये भी आपका प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व 36,000। अब इसको आप नेट करोगे, ये जो प्रॉफिट है इसको तो आप ऐड करोगे, और ये जो लॉसेस है इनको आप माइनस करोगे। प्रॉफिट को तो ऐड करेंगे और लॉसेस को क्या करेंगे, माइनस। तो जो नेट अमाउंट आपको एडजस्ट करना है वो आ रहा है, एडजस्ट करने के बाद आ रहा है 50,400। तो ये कहलाएगा नेट अमाउंट एडजस्टेड, नेट अमाउंट एडजस्टेड, जो नेट अमाउंट आपको एडजस्ट करना है वो कितना करना है, 50,400। अब इसको एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, इस 50,400 को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो कौन है, ओल्ड पार्टनर ए बी एन सी, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8, 3/8, 2/8 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है, 4/9, 3/9 एंड 2/9। 72 एलसीएम आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32, तो ये आ रहा है माइनस का 5/72। अगेन 72 एलसीएम आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27,
72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, तो 27 माइनस 24 तो ये आ जाएगा आपका 3 बाय 72। अगेन 72 एलसीएम आएगा, 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, 72 डिवाइडेड बाय 9 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, तो ये आ गया 2 बाय 72। मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है और ये यहाँ पे गेन कर रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, जो नेट अमाउंट आपको एडजस्ट करना है, कितना अमाउंट एडजस्ट करना है यहाँ पे, 50,400, 50,400 एंड 50,400, तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 3,500, 3,500, 2100 एंड 1400। तब एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3400 टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट 2100 एंड टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 1400। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। तो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम कब पास करेंगे, जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करना है, लेकिन जो रिवाइज्ड वैल्यू निकल के आ रही है, जो भी आपकी रिवाइज्ड वैल्यू निकल के आ रही है, उसको हम अपनी न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे, तो उस केस में ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी और इस तरीके से होगी। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।